We captured a man calling himself the Dragon Reborn. Hey guys, welcome back to the Entertainment Lab. और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द व्हील ऑफ टाइम के एपिसोड 3 के बारे में। और लास्ट में हम लोगेन यानी कि जो अभी देख रहे हैं हम लोग द ड्रैगन रीबॉर्न के बारे में भी जानेंगे। ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं द व्हील ऑफ टाइम मोरेन जो कि एक आय सेडाई है उसी की जर्नी के अलोंग घूमती रहती है जो कि अभी ड्रैगन रीबॉर्न को ढूंढ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि वो उन यंगस्टर्स को ढूंढती है जो कि डेस्टिन है ड्रैगन रीबॉर्न के लिए, और इस एपिसोड में हम उनकी जर्नी आगे देखते हैं। एपिसोड 2 के एंड में हम ये देखते हैं कि मोरेन काफ़ी ज़्यादा जख्मी है और नयनी पता नहीं कैसे एस्केप कर गई है ट्रॉलक से और अब वो लैन को ऑब्डक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैन शॉक हो जाता है कि जो इतनी यंग गर्ल कैसे उसके मूवमेंट को ट्रैक करके और उसे ढूंढ पाई है। बट पहले वो उसे मदद मांगता है मोरेन को ठीक करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी है ट्रॉलक के वार से। नयनी यहाँ पे उसको ठीक करने के लिए मान जाती है, बट वो थोड़ी सस्पिशियस भी रहती है लैन की ओर और वो उनसे अपने दोस्त इग्वेन रैन पेरिन और मैट के बारे में पूछती है, तो उन्हें बताता है कि वो खो गए हैं। हालांकि अब हम देखते हैं इग्वेन और पेरिन अपने आप को इसी जंगल में पाते हैं जब वो डेड सिटी से भाग जाते हैं। पहले वो शेल्टर लेते हैं, फिर इग्वेन अपनी पावर को समन करती है और फ्लेम स्पार्क करती है। लास्ट में वो सो जाते हैं और पेरिन को रात में अपनी मरी हुई पत्नी का एक भयानक सपना आता है। उसके बाद इग्वेन जागती हैं और उन लोग को कुछ वोल्फ्स दौड़ा देते हैं। एट लास्ट वो एक नोमैडिक ग्रुप के द्वारा रेस्क्यू कर लिए जाते हैं जो कहते हैं अपने आप को टिंकर्स। दूसरी तरफ रैंड नोमैड भी उन्हें ढूंढते रहते हैं और वो ईस्ट जाने का डिसाइड करते हैं इन द होप्स ऑफ रियूनाइटिंग विद इग्वेन एट द वाइट टावर। वो एक टाउन क्रॉस करते हैं जहाँ उन्हें कुछ फ्रेंडली ट्रैवन वर्कर्स मिलते हैं जो उन्हें शरण देते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वो लड़की डार्क वन की सिंपथाइजर होती है और वो वैल्यूबल ड्रैगन रीबॉर्न को देना चाहती है अपने लॉर्ड को। वो उसे बताती है कि उसके ड्रीम में 5 यूथ आए थे, बट उसके बाद ही जैसे उन्हें पकड़ने वाली होती है थॉम नाम का एक ट्रैवलिंग बार्ड उसे मार देता है और रैंड और मैट को वार्न करता है कि उन्हें वहाँ जल्दी से भागना चाहिए नहीं तो डार्क फोर्सेस आ जाएंगी। अब हम मेन प्लॉट की तरफ आते हैं जब हम ये देखते हैं नयनी की जो मेडिसिन होती है निमोरेन पे काम कर रही होती है और वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, बट वो अभी भी अपने हॉर्स राइड नहीं कर पा रही थी तो लैन उसे कैरी कर रहा था। तभी व्हाइट टावर जाने के रास्ते में वो एक ग्रुप ऑफ आय सेडाई से मिलते हैं जो कि रेड कपड़े पहने होते हैं और उन्हें लीड कर रही होती है लियानरिन जो कि ऐसा बताती है कि उसने ड्रैगन रीबॉर्न को कैप्चर कर लिया है। ये एपिसोड वहीं ख़त्म होता है जब मोरेन उस आदमी को देखती है जो कि एक थोड़ा सा मिडिल एज्ड आदमी होता है और थोड़ा सस्पिशियस भी होता है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि उस विशियस लियानरिन ने ड्रैगन रीबॉर्न को कैप्चर कर लिया है और वो जो आदमी जो अपने आप को क्लेम करता है कि वो री इनकारनेशन है एंशियंट वॉरियर द ड्रैगन का। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि जो लियानरिन है वो मेल के हाथ में पावर्स को नहीं देख सकती और वो चाहती है कि जो मैजिकल पावर्स है वो अपने हाथ में ही रखे, यानी कि फीमेल के हाथ में ही वो मैजिकल पावर्स को देखना चाहती है। सो इसीलिए उसने उस आदमी को केज में बंद भी करके रखा है। तो लास्ट में उसका ये भी प्लान हो सकता है कि उसे मार दे या फिर उसे अपने लिए यूज़ करे। और उस ऑमनीशियस मैन के अपीयरेंस से हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो अबव 20 है और जैसा कि वो थ्योरी है कि ड्रैगन रीबॉर्न 20 साल पहले ही पैदा हुआ था, तो उसे देख के तो ये लगता है कि ये आदमी कहीं ज़्यादा 20 साल से उम्र में है, तो ये कहीं पर डाउटफुल है जो कि हमें आगे पता लगेगा कि आदमी का असली मोटिव क्या है और अपने आप को क्यों ड्रैगन रीबॉर्न कह रहा है। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी और कुछ ज्ञान एक्स्ट्रा देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द बुक एंड द टीवी सीरीज जो ये एज चल रही है वो थर्ड एज है और इस एज से पहले सेकंड एज में मेल और फीमेल दोनों आय सेडाई होते थे। तो एक आर्मी ऑफ मेल आय सेडाई द डार्क वन से लड़ने गई तो डार्क वन ने उन्हें करप्ट कर दिया। सो यही रीजन है कि लिसानरे जो अभी की फीमेल आय सेडाई है रेड ड्रेस वाली,
वो इतना हेट करती है मेल के हाथ में मैजिकल पावर होने से। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये भी जानेंगे कि जब फर्स्ट एपिसोड में उस लड़के को हेलुसिनेशन हो रहा था कि वो किसी और से बात कर रहा है, सो वो एक फॉर्म ऑफ करप्शन का ही निशानी है। और इसी वजह से लिसान्ड्रे सारे मेल्स जिनके हाथ में पावर होती है उन्हें वो मारना चाहती है। और जो ये इस एज की जो आई सेडाई हैं वो 7 फैक्शंस में डिवाइडेड हैं, जिसमें से रेड आई सेडाइज का काम होता है जितने भी मेल होते हैं उनकी पावर को ख़त्म करना, यानी कि स्टिलिंग करना। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे कि तो जो आदमी अपने आप को ड्रैगन क्यों बोल रहा है। उस आदमी का नाम है लोगेन और वो भी मैजिकल पावर्स को चैनल कर सकता है और उसने अपने आप को खुद को फॉल्स ड्रैगन घोषित कर लिया है। बट जैसा कि मेल्स के हाथ में पावर आते ही चैनलिंग इफेक्ट होती है मैजिकल पावर की, तो वो यही हो रही है और उसके अंदर थोड़ा सा डार्क टिंट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोग ने ट्रेलर में भी देखा था। ये रियल ड्रैगन नहीं है और बुक के अकॉर्डिंग से जो रियल ड्रैगन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा पूरे सीजन के लिए। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं कि लोगेन का क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि रेड आई सेडाइज का काम होता है मेल के हाथ में जो पावर होती हैं मैजिकल्स उनको छीन लेना या फिर स्टिलिंग करना और या फिर उन्हें मार देना। तो यहाँ पे लोगेन को वो इसीलिए ले जा रही है कि उसकी पावर वो छीन सके और एट द एंड वो इनडायरेक्टली उसे मार भी सकती है। बट आगे आने वाले एपिसोड में हमें पता लग गया कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सब तो हुआ पूरे एपिसोड में और आगे क्या होगा वो हम अगले फ्राइडे ही जानेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो ये वीडियो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।